वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज़ में। पाकिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने अपनी जाहिलता का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की सड़क पर एक श्रीलंकाई शख्स को तालिबानी सजा दी गया। फैक्ट्री के मजदूर ने अपने ही मैनेजर को भी सड़क पर जिंदा जला दिया। मैनेजर श्रीलंका का रहने वाला था, उसका नाम प्रियंथा कुमार बताया जा रहा है। खबर बाल्टिस्तान टाइम्स के मुताबिक खबर सियालकोट की है, जहां प्रियंथा पर पैगंबर मोहम्मद का जिंदा करने का आरोप था। घटना के बाद पूरे इलाकों को सील कर दिया गया है। द डॉन न्यूज के मुताबिक घटना शुक्रवार दोपहर की है। सियालकोट के वजीराबाद रोड इलाके में एक मल्टीनेशनल फैक्ट्री है, यहाँ अचानक हंगामा हो गया। मजदूर की भीड़ ने फैक्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर को पहले बाहर निकाल कर पीटा, जब उसकी मौत हो गई तो उसे बीच सड़क पर जिंदा जला दिया गया। सियालकोट के पुलिस ऑफिसर उमर सईद के मालिक ने बताया है, मारे गए व्यक्ति का नाम प्रियंथा कुमार है। वो श्रीलंका का रहने वाला है था। जिस फैक्ट्री में प्रियंथा काम करता था, वहाँ पाकिस्तान की T20 टीम का सजो सामान बनाया जाता था, मतलब किट्स हो गए या फिर पैड हो गए, जो भी खेल में यूज होता है वो सामान यहाँ बनाया जाता था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ शख्स को जलाते हुए जिहादी मानसिकता के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। घटना के बाद पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने कहा कि ये दिल दहला देने वाली घटना है, मैंने इसकी रिपोर्ट तलब की है, मामले का हाई लेवल जांच कराई जाएगी, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, राज के आला अफसर जांच करेंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, काफिर के बच्चे ने कुरान की आयत कूड़ेदान में फेंकी और इस तरह के नारे भीड़ में लगाए गए। प्रियंथा पर ईश निंदा के आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों के आधार पर प्रियंथा को भीड़ ने सजा दी है। कमाल है कि अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं, और कहाँ है मानव अधिकार की बात करने वाले, और कहाँ है पाकिस्तान का लोकतंत्र। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7